हेलो फ्रेंड्स, कुछ वन लाइनर जीएस देखते हैं। भारत में संविधान संशोधन तीन तरीकों से हो सकता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे देते हैं। मूल अधिकार संसद के साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। अखबार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। एथिक्स कमेटी संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करती है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति समाजवादी है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। 61वें संविधान संशोधन से वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है। सैनिक कीट धान फसल का कीट है। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट विज्ञान से है। रानी खेत मुर्गी की बीमारी है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। टामवर्थ सुअर की नस्ल है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। भारत में सबसे अधिक सागरी मछली का उत्पादन केरल राज्य करता है, जबकि ओवरऑल सबसे अधिक मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। रेशम का धागा प्रोटीन का होता है। झींगा मछली भारत से सबसे अधिक निर्यात की जाती है। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो टैक्स नो रेंट का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने दिया। अंग्रेज पेट पर लात मारते हैं, दादा भाई नौरोजी ने यह कहा। पूर्ण स्वराज का नारा 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने दिया।